हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आई होप आप सब खुश स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसे चावल के पापड़। अगर आपने एक बार ये पापड़ बना लिए तो आपके पापड़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और इतने टेस्टी और यम्मी बनेंगे कि आपको और कोई पापड़ बनाने की झंझट भी नहीं लगेगी। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक भगोना, इसमें हम डाल देंगे 4 कप पानी के। तो यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, यानी कि आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक। पापड़ है तो नमक का उपयोग थोड़ा कम कीजिएगा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और करीब 2 पिंच हम इसमें डाल देंगे फिटकरी। यानी कि आपको क्या करना है, फिटकरी को पहले कूट लेना है, उसके बाद ही आपको 2 पिंच इसमें डाल देनी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। तो अब हम क्या करेंगे, पानी को पहले हमें अच्छे से उबालने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे हम इस भगोने को रख देंगे गैस पे, तब तक हम बना लेते हैं आटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 कप डाल देंगे चावल का आटा और साथ में हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 कप पानी को हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालते जाएंगे और इसका हमें घोल बना लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाइए और इसका हमें घोल बना लेना है। पतला सा घोल बना लेंगे हम इसे, और आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाए। तो आपको इसी तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे चावल का आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, टोटल 6 कप हमने पानी के यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा पानी भी अच्छे से उबल रहा है। तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि जब तक पानी में अच्छे से उबाल ना आ जाए तब तक आप इसमें आटा मत डालिएगा, वरना क्या होगा कि पानी थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा तो आपके पापड़ फट जाएंगे। इसलिए पानी को आप अच्छे से उबाल लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे गैस के फ्लेम को कर लीजिए थोड़ा सा लो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो घोल बना के रखा था चावल का, वो हम एक हाथ से डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से आपको इस तरह से मिक्स करते रहना है। अगर आपके घर में आपकी मम्मी या बहनों तो आप इसे कीजिए कि आप इसे डालते जाएं और आप इसे मिक्स करते जाएं, लेकिन आपको ये सब केयरफुली करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छे से हमने इसे चला लिया है और अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है, ये देखिए। तो बस आपको इसे अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पे हम इसे करीब 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, यानी कि यहाँ पे ये घोल हमारा थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और इसे आपको चलाते रहना है। यानी कि आप गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रख दीजिए और इसे करीब 2-2 मिनट पर चलाते रहिए, वरना क्या होगा कि ये नीचे जल जाएगा। तो ये देखिए, चलाते चलाते मुझे यहाँ पे करीब 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो गया है। तो ये देखिए, तो आपको भी इसी तरह से इसे पकाना है। दोस्तों, आप इसे जितना अच्छे से पकाएंगे ना, उतने ही पापड़ आपके अच्छे बनेंगे, यानी कि टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे करीब मुझे 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पापड़ का घोल अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 5 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक की पन्नी ले ली है, इसमें हमने लगा लिया है तेल। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये पापड़ बनाएं तो आप पहले तेल जरूर लगा लें। इससे आपको क्या होगा कि आपके पापड़ सूखते जाएंगे और आसानी से निकलते जाएंगे। तो अब हम बना लेते हैं पापड़। तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा बैटर ले लेना है और आपको करछी से इस तरह से इसे डाल देना है। तो इस तरह से आपको सारे पापड़ बना लेने हैं। तो ये देखिए, तो आप क्या करना है, जब भी आप पापड़ बनाएं तो थोड़ा सा दूर दूर ही बनाएं, ये देखिए। बस आपको इसी तरह से सारे पापड़ बना लेने हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप ये पापड़ बनाएं तो आप इसे पंखे के नीचे भी बना सकते हैं। आपको इसे ऐसा नहीं कि आप जब भी बनाएं तो आपको धूप में ही बनाना है। तो आपको क्या करना है, पहले ये सारे पंखे के नीचे पापड़ बना लें और दूसरे दिन आप इसे धूप में रख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके पापड़ भी बन जाएंगे और आपको यहाँ पे ज़्यादा धूप में बैठने की झंझट भी नहीं लगेगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अब सारे पापड़ को बना लेना है, ये देखिए। तो बस आप इसी तरह से सारे पापड़ बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपके दूसरे दिन।
तो ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे पापड़ बन गए और आसानी से निकल भी जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम रख देंगे अब धूप में। तो जितना आप इसे धूप में रखेंगे उतना ही आपके पापड़ अच्छे से फूलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे पापड़ को धूप दिखा दी थी, तो यहाँ पे हमारे सारे पापड़ बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको एक फ्राई करके पापड़ दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पापड़। ये देखिए इतना क्रंची और टेस्टी ये पापड़ बना था। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने दूसरा पापड़ भी आपको फ्राई करके दिखा दिया है। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे, और ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा।